अरे कृष्णा, फिर एक बार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत जो अभी अभी जुड़े हैं और फेसबुक लाइव जो इस्कॉन गोरेगांव पे आने वाले दिनों में देखेंगे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हम बहुत ही सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम के ब्रह्मा प्रेयर फॉर क्रिएटिव एनर्जी, भगवान ब्रह्मा जी का जो ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, ये जीवन सृष्टि को बनाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। थोड़ा सा हम रिकैप लेंगे। हाँ, हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं जो आप लोग भक्तों ने सुना है, बट ये क्लास एवरी थर्सडे को मर्ज होता है, दो ग्रुप साथ में आते हैं, तो इसके लिए मैं उनके लिए 2 से 4 मिनट उनको लिए रिकैप में, जो वो भी एक पेज पे बैठ जाए, उनको भी पता चले कि क्या चल रहा है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे ब्रह्मा जी पहले श्लोकों में, आज हम 8वें नंबर का श्लोक हमने आज रिसाइट किया, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। पर थोड़ा सा हम रिकैप लेते हैं कि क्या क्या ये इस अध्याय में क्या हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर ब्रह्मा जी स्तुति करते वक्त कह रहे हैं कि जो भी भक्त भगवान के विषय में सुनता है, श्रवणम कीर्तनम जो करता है, श्रवण करता है भगवान के विषय में, जो श्रवण करता है वो उससे भगवान, वो आपसे कभी भी क्षण के लिए भी जुदा नहीं है। वो आपसे आपका करी कभी भी वो सेपरेशन नहीं अनुभव करेगा। हाँ, ये 5वें श्लोक में बताते हैं कि नहीं, वो कभी भी आपसे अलग नहीं होगा जो भी श्रवणम कीर्तनम कर रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर, आप सभी भक्त लोग हर रोज सुबह भगवान के नामों का गुणगान और उसके साथ साथ उनका श्रवण कर रहे हैं, तो भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, और आपके हृदय से, हम सभी भक्तों के हृदय से कभी भी अलग नहीं होते, जुदा नहीं होते। हाँ, कभी छोड़ के नहीं जाते घर, लेकिन दूसरे के हृदय में बैठ के भी ऐसा दिखाते कि मैं नहीं हूं। हाँ, परमात्मा स्वरूप में भगवान सभी भौतिकवादियों के हृदय में भी बैठे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि घर नहीं बैठे, घर हृदय में नहीं बैठे, क्योंकि क्यों? इसका मूलभूत कारण यह है कि वो उनके विषय में सुनने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। हाँ, उनको सुनने में, भगवान के कथा सुनने में लालायिता ही नहीं है। अब ब्रह्मा जी को बाद में थोड़ा सा अलग सूझ जाता है, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भक्तों की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन उनको अलग ही दया का भाव उत्पन्न होता है, उनका एक भाव उत्पन्न हो जाता है कि जिनके लिए ये काम सृजन करने वाले, ये सृष्टि बनाने वाले, उनके विषय में वो शुरू कर देते हैं सोचना। हाँ, और उनको ऐसा डिफिकल्ट काम दिया गया, हम जानते हैं कि अभी उनको पूरा ज्ञान आ चुका है। हाँ, यहाँ पे क्या होने वाला है इस दुनिया बनाने के बाद। हाँ, दुनिया बनाने वाली क्या तेरे मन में समाई, हाँ काहे को दुनिया बनाई, आप लोग सब लोग जानते हो गाना। हाँ, कितना सुंदर है, क्यों बनाई ये। हाँ, ब्रह्मा जी भी ये सोच रहे कि मैं क्यों बनाऊ ये, और ये कैसे दुखी होने वाले। देखिए, अगर हम कोई गड्ढा खोदे और उसको, हमें पता है कि हमें इसके अंदर कूदना है, हाँ तो थोड़ा कम खोदेंगे ना, अगर हमको पता है कि हम गिरने वाले हैं इसके अंदर। हाँ, लेकिन भगवान को क्या इंस्ट्रक्शन है, ब्रह्मा जी को क्या इंस्ट्रक्शन है, यू हैव टू, तुम्हें खोदना है इतना डीप, तुम्हें करना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी के हृदय में करुणा है, करुणा उत्पन्न। हाँ, करुणा है किसके लिए, जो इस भौतिक बंधन में फंसे हुए हैं। ब्रह्मा जी का मूड चेंज हो गया है। हाँ, सुंदर दर्शन कर रहे हैं भगवान का, और भगवान का दर्शन के बीच में ही उनका मूड चेंज, याद आ गया कि इनको इतनी पीड़ा होगी। हाँ, उस पीड़ा को मुझे निर्माण करना है, मुझे, आई एम द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस। हाँ, कौन, भगवान कहते हैं कि आई एम कॉज ऑफ द कॉजेस, बस ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि मैं भी तो इसका ही कारण हूं ना, ये सृष्टि बनाने के लिए मेरे को, मेरे कारणों के कारण वो है, लेकिन मैं भी तो एक कारण हूं, कारण कारण, हाँ तो एक कारण मैं भी हूं। तो इनको ज्ञानी होती है, उनको गिल्ट फील होती है। फिर आगे के श्लोक में क्या कहते हैं कि उनको जो पीड़ा होगी वो किसके वजह से होगी। हाँ, वो आगे के श्लोक में बता रहे हैं क्यों,
कि उनको हो भयम, भय के कारण, ये भय और अशांत मन के कारण। और ये कब होगा? हाँ, जब वो चरण कमल ग्रहण करेंगे, आपका चरण क्रमण चरण कमल का जब शरणागत होंगे, तब तब उनको शांति मिलेगी। हाँ, ये ब्रह्मा जी का स्टेटमेंट है। हाँ, ये कोई हरे कृष्ण वाले स्टेटमेंट नहीं दे रहे, ये श्रीमद् भागवतम व्यास देव जी ने जो लिखी है, ये स्टेटमेंट का, ये अध्याय का, ये तीसरा कैंटो पे आपको कोई भी कथाकार कथा करते हुए नहीं दिखेगा, कभी नहीं देखेगा। अगर आपने देखा है कभी कोई कथाकार, मैं अ पार्ट ऑफ इस्कॉन बोल रहा हूँ, अ पार्ट ऑफ जो हमारे वैष्णव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो हमारे जो श्री प्रभुपाद के अनुयायी है, उनकी मैं कथा कर उनकी बात कर रहा हूँ, वो हमेशा करते रहे। लेकिन दूसरे संप्रदाय के लोग, अगर आपने सुना है कभी ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की थर्ड कैंटो के ऊपर आपने कभी कथा सुनी होगी, तो आप मुझे चैट में लिख के बता सकते हैं कि हाँ प्रभु जी सुनी थी, दिस इज रॉन्ग। नहीं, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि ऑडियंस के हिसाब से ये कोर्स ही नहीं है। हाँ, कथा में जब देखते हैं श्रीमद् भागवतम कथा में, हम लोग देखते हैं कि इतने हजारों के तादाद में लोग बैठे हैं, लेकिन जैसे निकलते हैं वो नीचे बैठे होते हैं तो अपने कपड़े झटकते हैं, क्योंकि वो मिट्टी लग जाती है ना, तो ऐसे झटकते हैं, वैसे ही ना अपना ज्ञान भी उधर ही छोड़ के जाते हैं, उधर ही ज्ञान छोड़ के जाते हैं। तो ये बहुत जानना जरूरी है। कहते हैं हरे कृष्णा वाले बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत ही कठिन ज्ञान देते हैं, शास्त्रों के पूरे ज्ञान देते हैं, लेकिन दे रहे क्यों? क्योंकि यही कर्तव्य है हर एक जीवन का। और फिर आगे के श्लोक में क्या बताते हैं कि इनकी जो अवस्था हो रही है, ये जो अवस्था है वो क्यों हो रही है, ये क्यों होगी, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन क्यों होगी, लेकिन ये इनको क्यों याद आ रहा है? क्योंकि बार बार बनाई है, सृजन सृष्टि बार बार की है, इसके लिए उनको याद है कि हाँ इनकी वापस होगी ऐसी। अरे प्रभु जी, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु जी इधर वैसा कार्य मत करिए, आप फंसेंगे। कौन बताता है? जो ऑलरेडी दीर्घ दृष्टि, जिसका एक्सपीरियंस है, तो इसलिए काउंसलर काउंसिलिंग करता है ना, ये मत कार्य करो, तुम फंसोगे, मत करो। क्यों उसको पता है? क्योंकि उसके जीवन में या तो एक्सपीरियंस है उसके पास, वैसे ही ब्रह्मा जी को भी एक्सपीरियंस है। ब्रह्मा जी को एक्सपीरियंस है कि नहीं, ये फंसने वाले है, ये गड्ढे में गिरने वाले हैं लोग। तो उसके तीन कारण क्या है? हाँ, ये गड्ढे में गिरने के कारण क्या है? तो देखिए, देवे न ते हत दिया, सातवें श्लोक में आ रहा है, इनकी बुद्धि नाश हो चुकी है। हित दिया क्या? भवता प्रसंगा, अपराधों के कारण, अपराधों के कारण। तो ये अपराधों के कारण, अपराध क्या है? भगवान नाम में के को नाम को सुनना नहीं, और सुनने के बाद भी अगर हम विषय शक्ति बनाए रखे, वो भी एक अपराध है। हम रोज पढ़ते हैं ना सुबह, तो भवता प्रसंग, उसके प्रसंग, इसके वजह से क्या होता है? आपके जो इतने पहले क्या कहा, देखिए, बड़े मंगल है आप, आपके विषय सारे मंगलमय है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों ने अपना मुंह फेर लिया है। भवता प्रसंग, हत दिया, हत दिया वो फिर नहीं करना है। तो स्वर्वा शुभ पशमना दुख दुखे इंद्रियाये, ये क्या हुआ है कि सब अशुभ कार्य, उपशमना, ये सारे जीव के सारे जीव ये शुभ चिन्हों को, शुभ कार्यों को छोड़ दिया है उन्होंने, क्योंकि आपकी कथा से उन्होंने अपने आप को विमुख रखा है। सिंपल यही कारण है, कथा से विमुख रखा है। इसलिए हमें हियरिंग निरंतर नित्यम भागवत सेवया, ये जारी रखना है, अंतिम समय तक, अंत समय तक हमें जारी रखना है। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना है, हम बॉम्बे में हो या कहीं आउट ऑफ स्टेशन हो या कहीं भी हो, आज ये माध्यम से आप चांद पे जाके भी आप अटेंड कर सकते हैं। अभी गए हफ्ते में मैंने देखा था, न्यूज पढ़ा था, इसलिए मैंने बोला ये कि इन 2027 देयर विल बी अ वन होटल, न्यूज में मैंने पढ़ा कि एक होटल चांद में बनने वाली है, चांद पे,
जिसमें आप लोग वहां जाके वीकेंड या फिर आप 3-4 दिन का पैकेज बनेगा ऐसे, जो भी आने जाने का है वहां पे आप जाके रह सकते हो, और आपको रूम भी सब कुछ दिया जाएगा, और वहां पे ऐसा व्यू रहेगा सारी होटलों में से, एक व्यू होता है ना वैली व्यू, हम जब महाबलेश्वर लोनावला जाते हैं तो हम वैली व्यू लेते हैं, करेक्ट, तो वहां पे अर्थ व्यू वाला आपको रूम मिले। देखिए इसलिए मैंने कहा चांद पे जाएंगे ना तो वो भी हमें इस कथा नित्य भागवत सेवा कर। ना? ये कितने, हाँ देखिए इतने दीन है, ये क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने में से मुंह फेर लिया है, क्योंकि कुरुवंती काम, हाँ कुरुवंती काम क्लेश मात्र, हाँ लव, हाँ एक आग बंद कर दी और खोल दी, उसको कहते हैं लव। हाँ? साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, लव मात्र, हाँ? हम सुनते हैं ना ये बार बार भक्तों के मुखारविंद से, आपने सुना होगा, लव मात्र साधु संग से भी हमारा उद्धार हो सकता है शास्त्र कहता है, तो वैसा ही वो लव मात्र। देखिए लव शब्द क्यों है इसमें, सुनने की बात समझने की बात है, हमारी तो उम्र सब सिर्फ 100 साल है, हाँ? और ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, लेकिन उनका टाइम कैलकुलेशन हमको सबको पता है, हाँ व्हाट इज द टाइम कैलकुलेशन, तो भगवान ब्रह्मा जी अगर कहते हैं तो वो तो लव ही कहेंगे ना, लव कहेंगे, क्योंकि दैट इज नॉट LOV लव, पर लव मात्र, तो लव मात्र साधु संग, तो लव मात्र भी हम नहीं ले पाते, क्योंकि ब्रह्मा जी के टाइम कैलकुलेशन पे थे तो हम लव मात्र ही ले रहे, 100 साल उनके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि वो लव मात्र आप लोग आनंद लेते हो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं लव मात्र आनंद लेते हो, इसके लिए आप लोग अपना अपना फंसे रहते हो उसके अंदर, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ टाइम, वो हिसाब से। तो इतने छोटे समय के सुख को पाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, दीन दीन बन चुके हैं, हम बागर बन चुके हैं, लोभ, हाँ लोभ आता है फिर से कि इतना लोभ है, हाँ धन धन संपत्ति प्रतिष्ठा फॉलोअर्स, हाँ हाँ सब कुछ हमारे जीवन में हमें फंसाता है, इस लोभ के कारण मनुष्य हम सबका मन अकुशल हो गया है, दीर्घ समय के लिए ऐसे गतिविधियों में जुड़ गया है जो उनके जीवन में से शुभ निकाल दिया है, अशुभ कार्य में लगे, अशुभ ही उत्पन्न करेगा जीवन, अशुभ ही उत्पन्न करेगा, सिंपल ये कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर ब्रह्मा जी की स्थिति है। किसके कारण, भौतिक भौतिक इच्छाओं के, भौतिक इच्छाएं और भौतिक इच्छा भौतिक विषय वस्तुओं को हमारे जीवन में लाने के कारण, भौतिक विषय वस्तुओं को हम भोगे उसके कारण, इच्छाओं के कारण हम उनके जीवन में सर्व अशुभ, सिर्फ अशुभ ही अशुभ आएगा, भले करोड़पति बन जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा बन जाए। देखिए आजकल के एजुकेशन, मैं पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया एजुकेशन यही सिखाता है, लेकिन ब्रह्मा जी पूरा उल्टा बताए, करोड़पति बनना, एक बड़ा बड़ा व्यक्ति प्रतिष्ठान व्यक्ति बनाना बनना, एजुकेशन में तो वही सिखाया जाता है, क्या बनोगे बड़ा होके, बचपन से ही बता देते हैं, माँ बाप भी बताते हैं क्या बनोगे बड़ा बन के, क्या बनना है, इंजीनियर डॉक्टर, हाँ चपरासी और क्या पायलट एस्ट्रोनॉट, हाँ और सबसे बड़ा एकदम खतरनाक प्रोफेशन, कौन बताएगा सबसे खतरनाक प्रोफेशन, कोडिंग, हाँ आजकल के बच्चे 6 से 7-7 साल के बच्चों के लिए कोडिंग क्लास चल रहा है, हाँ कोडिंग करा रहे सबको, अरे क्या सिखाना चाहिए, सिखाओ उसको, हाँ आप किस किस दलदल में फंसा रहे हो बच्चों को, हाँ एटलीस्ट जो बच्चे कृष्णा कॉन्शियसनेस में पल रहे हैं ना उनके माता पिता तो सावध हो जाए सब लोग, हाँ ये जीवन हमें पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया गया है, हाँ हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान को समझने के लिए बनाया गया है, हाँ सिर्फ ये योनि में हम इसी के लिए आए हैं कि हम भगवान को समझे और बैक होम टू गॉड एड, भगवान को धाम में लौट जाए, इसी के लिए, और अभी उनको और दया आ रही है, और ये मुझे करवाना है, ये मुझे इनसे करवाना है और दया आ रही है, भगवान से विमुख होना वो हमारी इच्छा है, भगवान की इच्छा नहीं है, विमुख होके हम यहाँ इस धराधाम में सुख की अनुभूति करते हैं, ऐसा हमें लगता है,
लेकिन ये कर्तव्य हमारा नहीं है। तो अब ये बता रहे कि क्या क्या पीड़ा होगी उनको, इनके शरीर जब प्राप्त हो गए तो इनको क्या क्या पीड़ा होगी, क्या क्या पीड़ा होगी जो आठवें श्लोक में आएगा, क्या पीड़ा होगी। श्रुत, हाँ श्रुत क्या होता है वो, हाँ भूख प्यास लगे, श्रुत त्रित प्यास लगेगी, हाँ उसके बाद हाँ भूख प्यास, हाँ भूख प्यास लगती रहती है हमें, हाँ त्रिधातुर्बिन कफ पित्त वात से हमारे शरीर में सारे रोग आ जाए। हाँ ये जब आयुर्वेद भी कहता है ये कफ वित्त और पात, ये जो कफ पित्त और वायु जो होता है ना, वात उसको वायु को कहते हैं, ये जब इसका संतुलन हमारे शरीर में जब भी बिगड़ता है ना तो हम बीमार पड़ते हैं, और हम बिगड़ जाते हैं। त्रिधातु वात पित्त और वायु, इसमें हमेशा इस जो इस तीन धातुओं से जो बना हुआ शरीर है ना, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ कोई ना कोई विकार आते रहेगा, बीमारी आते रहेगी। हाँ एक हफ्ता हम ठीक रहेंगे, आप लोग ने भी देखा होगा किसी को बुखार आ जाता है, किसी को सर्दी हो जाती है, किसी का सर दुखने लग जाता है, किसी का पेट दुखने लग जाता है, कुछ ना कुछ हर हफ्ते कुछ ना कुछ हमारे जीवन में होते रहता है शरीर के साथ। शरीर पीड़ित देती रह पीड़ा देती रहती है और क्या होगा, हाँ और ये हमेशा कंफ्यूजन में रहे, कंफ्यूजन रहेगा क्या करना है, कैसे जीना है, क्या करे। हाँ हाँ अर्जुन भी ऐसे ही बिविल्डेड हो गया, जैसे हम लोग को पता है ना कि हम लोग नहीं जानते क्या करना है, लोग भौतिकवादी जीवन में लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन अर्जुन ने 2.7 में क्या कहा, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामिमा कर्म सम्मूढ़ चेता। हाँ अर्जुन ने क्या कहा, हाँ वो भी कंफ्यूज हो गया था और फाइनली ही सरेंडर टू कृष्ण, उसको समझ नहीं रहा था क्या करना है, उसको समझ नहीं रहा है, लेकिन लेकिन इस संसार में जो लोग फंसे हुए हैं उनको ऐसे कोई तथाकथित गुरु मिल जाते हैं जो उनको गाइड ही नहीं कर पाते ठीक से, और उनको क्या लगता है, नहीं यही सब कुछ है। हाँ क्योंकि ये गुरु क्या करता है, साल में एक बार आइए मेरे को दक्षिणा चलाई चढ़ाइए और जो करना है करो, और आप बोल सकते हो सबको, आप थप्पा मार सकते हो कि हम इनके फॉलोवर है, ये मेरे गुरु है। हाँ, तो ये बहुत गलत चीज होती है। हाँ, और वो ऐसे लोगों को ऐसे ही चाहिए, भौतिकवादी लोगों को अगर आप कहें, देखिए कोई भक्त अपने जीवन में रोज सुबह उठ के 5:30 बजे से जप करना शुरू कर देता है और ये 9 बजे अभी तक, और अभी तक उसने अपने कोई भी भौतिक कार्य नहीं किए, अभी तक उसने भक्ति भावित ही कार्य किए, तो लोगों के नजरिए में हम कौन है, पागल है, पागल है। प्रभुपाद कहते थे हाँ शिल्प हिज ओनलेस गोपाल कृष्ण महाराज, मैं रूम में बैठा था, एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति कहता है कि महाराज जब से हम भक्ति में जुड़े हैं हमको हमारे घर वाले पागल कहते कि तुम पागल हो गए हो। सो महाराज ने कहा करेक्ट, अगर वो समझ रहे हैं आपको कि आप पागल हो गए हो इसका मतलब आप भक्ति कर रहे हो। इफ दे फील दैट के नो यू आर लिविंग अ नॉर्मल मटेरियल लाइफ, और तो फिर वो तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, बट दे फील दैट उनको ऐसे लगता है कि तुम पागल हो गए हो, सो दैट मींस एंड वी बोथ वर सो लाफ एट दैट टाइम एंड महाराज आल्सो, महाराज भी खूब, महाराज भी ना हंसने हंसी के साथ बोले ओ दैट मींस यू आर डूइंग भक्ति, अगर वो बोल रहे, भक्त ने प्रश्न क्यों पूछा कि वो मुझे पागल बोल रहे हैं उसका मैं क्या, हाँ मैं क्या, और महाराज ने उत्तर क्या किया दिया, पागल बोलने दो, वो पागल बोल रहे इसका मतलब सही है, तुम सही मार्ग पे चल रहे। तो फिर इसके बाद आगे उसमें क्या आता है देखो, शीत शीतोष्ण वात वर्षई तरेत राच, शीत उष्ण बारिश, गर्मी सर्दी बारिश, और ऐसे अनेक अनेक पीड़ाएं इनके जीवन में, भीषण गर्मी वर्षा और अनेक पीड़ाएं हमारे जीवन में आती रहेगी, आती ही रहेगी, ये पीड़ाएं हमारे जीवन में आएगी, ये हमें समझना है बहुत अच्छे तरीके से, हमें समझना चलेगा और ये भक्ति समझ सकता है कि ये पीड़ा तो आने वाली है, जैसे भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं 2 अध्याय के 14वें श्लोक में क्या कहते हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय
शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो नित्यम। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, देखिए ये श्लोक में, ये जो आठवां श्लोक है उसके अंदर के रिलेटेड कितने सारे श्लोक, हाँ ब्रह्मा जी जो श्लोक बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं उसके कितने सारे श्लोक भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को बताए। क्या कह रहे हैं उसमें, अरे अर्जुन ये जो सुख दुख है, धीर पुरुष के बारे में बता रहे हैं कि धीर पुरुष कैसे होता है, वो ना गर्मी और सर्दी, हाँ ना बारिश, इससे कभी भी क्या कहता है, कितना सुंदर अनुवाद है, अनुवाद एक बार पढ़ेंगे उसका। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में अनेक अंतर्धान होना सर्दी या गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। धैर्य व्यक्ति जब सुख और दुख आता है उसको कभी भी, हाँ कभी भी वो अपने जीवन में उससे अपने आप में बदलाव नहीं लाता, वो धैर्य पुरुष बनता है। और वो क्या कहता है, नित्य भागवत सेवा भक्ति करते रहता है। वो समझता है कि ये तो टेम्पररी है, आगे के श्लोक में आप पढ़ेंगे, नौवें श्लोक वही है, नौवें श्लोक में वही आने वाला है, कल आपको बताएंगे जो भी वक्त आएंगे आप, वो वही बताएंगे कि ये तो टेम्पररी, ये आपकी लाइफ में, हमारे लाइफ में टेम्पररी। सुख दुख क्षणिक है सब, जैसे अभी देखो बारिश की सीजन है, अभी थोड़े टाइम में विंटर शुरू हो जाएगा, फिर सब वृंदावन धाम जाने वाले कैसे ठंडी की, ठंडी मौसम का अनुभव करते हैं। जैसे मैं पहले भी उदाहरण दे रहा था इस एक ये श्लोक का, जब लेक्चर दे रहा था तभी, देखिए बंबई वही है, करेक्ट, बंबई में लोग वही रह रहे, वही है, ऋतुएं चेंज हो रही है, करेक्ट, वैसे ही हम भी आत्मा है, हमारा शरीर चेंज हो रहा है और उसके अंदर के जो प्रभाव है वो चेंज हो रहे हैं। बंबई तो वही है ना, बंबई थोड़ी चेंज हो गया, बंबई थोड़ी गई बारिश के सीजन के उधर, नहीं वो तो वही है। तो वैसे ही हमें समझना है, ये ऋतुएं आते और जाएगी, सुख और आएगा और जाएगा, हाँ, लेकिन ब्रह्मा जी इधर क्या कह रहे हैं, ये ऐसे ऋतुएं आएगी जाएगी, सुख आएगा दुख जाएगा, तीन प्रकार के आपत्ति आएगी, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये आपत्ति आपके ऊपर आते रहेगी, लेकिन फिर क्या करोगे आप लोग, कार्पण्यर हो जाओगे, कृपण हो जाओगे, आपको कुछ समझेगा ही नहीं। और इतना समझने के बाद भी जब अर्जुन चला गया भगवान कृष्ण के बाद, लेकिन ये भौतिकवादी जो व्यक्ति है वो नहीं जाएंगे, वो जाएंगे साइक्रेटिस्ट के पास, वो जाएंगे किसी गलत चीज के कार्य करने में, कहाँ जाएंगे, रात को जाएंगे और फिर अपने आप को नशे में डाल देंगे और सो जाएंगे। उनको लगेगा मैं रिलैक्स हो गया, मैं आई एम इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, आई एम इन द अपर हायर लेवल में। ये देखिए ये ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि ये कितना अधम हो जाएंगे सब। और ये ब्रह्मा जी अभी से सोच के टेंशन में है कि ये मुझे करना पड़ेगा। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, देखो, कामाग्निना च्युत रुषा च सुदुर्लिभ, स्त्री पुरुष में ऐसा भयंकर आकर्षण होगा, इतना आकर्षण होगा भयंकर, काम की अग्नि ऐसी भड़केगी और वो अग्नि अगर शांत नहीं हुई तो क्या होगा, ऐसा क्रोध आएगा उसको, सुदूर भरे न, ऐसा जो क्रोध होगा ना वो सहन नहीं कर पाएंगे, कह रहे हैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और ये सहन नहीं कर पाएंगे और क्रोध से क्या हो जाएगा, गलत गलत कार्य कर। काम का छोटा भाई क्या टाइप करके लिख के, हाँ जो भी चैट कर सकते हैं बकलो चैट में लिखिए, काम अतृप्त रहेगा तो क्या है। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में क्या कहते हैं, यस एंगर क्रोध, यस क्या कहते हैं, 62 नंबर श्लोक, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्ते उपजायते, संगात संजायते कामान सामत क्रोभादि क्रोभादि व्याजायते। कितना सुंदर, क्या कह रहे, देखो, इंद्र विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, इंद्र विषय का, ये जो हमारी इंद्रिया है ना, ये इंद्रिया है सबसे, एक वरिष्ठ भक्त का मैं लेक्चर सुन रहा था तो उन्होंने कहा सबसे दो हमारी इंद्रिया है, वो इंद्रिया हमें काम और
काम और बाद में उसके बाद क्रोध के पथ पर लेके जाते हैं। दो इंद्रिया, कौन सी इंद्रिया बता? आईज एंड ईयर्स। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि हम जो देखते हैं, टीवी देखे या कहीं भी कुछ भी देख रहे हो और वो देखते हैं तो हमारी इच्छा उत्पन्न होती है, उसको उसको हमें हमारे जीवन में अनुभव करने की इच्छा होती है। और हम सुनते भी हैं लोगों से, अरे मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। ऑफिस में या कहीं भी जाए फिर हमें भी इच्छा होती है, अरे मेरे भी लाइफ में होना चाहिए। तो वो भक्त बता रहे थे बहुत ही सुंदर के दिस इज टू इंद्रिया, हमारी आंख और कान, इसको हमें भगवान के शरण, भगवान के शरणागत कर देना चाहिए। आई विल ओनली सी वॉट तत्वदर्शी आंख से हमें, जैसे मैं कह रहा था कि ब्रह्मा जी ने एथ चैप्टर में देखिए, हमने सुना, हमने देखा कि ब्रह्मा जी एक पर्वत को देख के भगवान का रूप का वर्णन करें, कंपैरिजन करें, वैसे ही हमें भी वैष्णव को देखे या इस सृष्टि को देखे, देखिए सूर्य आ गया है, अरे भगवान ने क्या, सूर्य देवता है, कितना प्रकाश दे रहे, और प्रकाश से वनस्पति उग रही है, वनस्पति को पोषण मिल रहा है, और वो वनस्पति हम जो भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान की सेवा हो रही है, और उसके बाद उसके हम भोग में लगा के उसके बाद हम उसका सेवन कर रहे हैं, ये कॉन्शियसनेस में हमें रहना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। 62-63 श्लोक में भी भगवान यही बता रहे, क्या कह रहे हैं कि ये इच्छाएं, आपकी इच्छाएं आपको काम के प्रति हमें हमें डाइवर्ट करती है, हमें वहां लेके जाती है काम करने के लिए। उसके बाद फिर काम के बाद क्या आता है, देखो, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और फिर उसके बाद हमारी क्या हो जाती है, बुद्धि नाश होती है, बुद्धि नाश प्रणश्यति। तो हमें ये ब्रह्मा जी जो इस श्लोक में बता रहे हैं, उसकी उसकी उसका जो 62-63 श्लोक में भगवान भी यही अर्जुन को बता रहे हैं कि इच्छा के वजह से, इच्छाओं के वजह से हमारे हृदय में काम प्रवृत्ति होती है, फिर काम जब संतुष्ट नहीं होता है तो क्रोध आता है, और क्रोध में आदमी गलत डिसीजन लेता है, और वो क्रोध के कारण उसकी बुद्धि विनाश हो जाती है, उसको नहीं पता उसको क्या करना है, यू डोंट नो। ये सब क्या होगा, ऐसे सारे कार्य यहाँ पे मनुष्य झेलेगा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं सब झेलेगा ये, और झेल भी रहे हैं, ये सब झेल भी रहे हम, इस भौतिक जगत पे हम झेल रहे हैं सब। कौन कह रहा है यहाँ पे सुखी है? प्रभुपाद कहते हैं कि इफ समबडी सेज आई एम हैप्पी एंड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड देन ही इज अ मैं नहीं कह रहा, प्रभुपाद कहते हैं इज अ फूल, इफ समबडी सेज आई एम हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड ही इज अ फूल नंबर वन। हम कहते हैं ना हाउ आर यू, हाउ आर यू, प्रभु जी तो बोलते हैं यस कृष्णा इज मर्सी आई एम फाइन, ये बोलते हैं भक्त लोग, कभी भी फाइन नहीं बोलना चाहिए, बाय योर मर्सी, बाय कृष्णा इज मर्सी डूइंग मैन। कैसा भगवान, जब भी महाराज भी पूछते हैं कैसे हो, चैंटिंग ठीक से हो रहा है क्या नहीं, रीडिंग ठीक से हो रहा है क्या नहीं, और एक कर्मी व्यक्ति क्या पूछेगा, कैसे हो, कैसा धंधा पानी, कैसे चल रहा है, बाल बच्चे क्या कर रहे हैं, सब ठीक हो रहा है, अगर वो सब ठीक है उनको लगता है मेरी लाइफ बहुत ही सुंदर चल रही है, आई एम डूइंग परफेक्टली वेल। बट यहाँ पे शास्त्रों का ज्ञान न होने के कारण वो पूरा विपरीत है, पूरा विपरीत, वो प्रकृति के तीन गुणों से अधीन हो गया है, प्रकृति के तीन गुण उसके ऊपर पूरी चादर ढका दिए। यहाँ पे वही सुखी हो सकता है जो भगवान के चरण कमल का आश्रय लिया है, अगर वो अगर इतने ही सुखी है ना तो उनको पूछिए, पूछना चाहिए कि भाई आप लोग मरने के टाइम इतना डरते क्यों, सुखी हो तो, और सुखी होने के कारण, और आपका सुख तो चला जाएगा अंत समय में, तो आपका जब शरीर क्षीण हो जाएगा तब तो आप लोग मर जाओगे, तो फिर कैसे सुख का अनुभव कर पाओगे, तो इसको कैसे कंट्रोल करोगे, आंसर ही नहीं है, मौत को भी नहीं रोक पाते, तो आज तक ऐसा कोई बना है जिसने मृत्यु को जीता? भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मृत्युश्च हरश्च,
मैं मृत्यु के रूप में हरस्य मैं हर लेता हूं सबको। भगवान कहते हैं इतना डेंजर स्टेटमेंट है, मैं मार देता हूं सबको। अरे भगवान कौन है? लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं करता हूं। इसलिए वो मूर्ख व्यक्ति है जो कहता है इस संसार में आई एम हैप्पी। तो हमें ये देखना है कि देखो संपश्यतो मन उरुक्रम सीधते में, लास्ट श्लोक की भगवान कैसे आते हैं? भगवान कहते हैं मैं एक्टर के रूप में आता हूं, एक्टर मैं एक्टर के रूप में आता हूं और किसी को समझता ही नहीं कि मैं भगवान हूं। राम के रूप में आते हैं और कहते हैं अरे अपनी सीता मैया के लिए देखो इन्होंने कैसा विलाप किया, ये कैसा भगवान हो सकते हैं जो रो रहे हैं, इतना विलाप कर रहे हैं, ये भगवान हो सकते हैं? लेकिन हमें सिखाने के लिए उरु क्रम सिद्धते में, हे महान कर्ता, लगता है भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला की, अरे आपका भगवान ऐसे कैसे कर सकता है? अरे करता है, वो सब कुछ बना सकता है, वो सब कुछ, हम सर्वस्व प्रभु वो है, मत सर्व प्रवर्तते, उनका ही सब कुछ है, उनके ही। जब किसी को किसी ने प्रश्न किया अरे भगवान ने राधा रानी के शादी क्यों नहीं की, अरे राधा रानी वही भगवान ही है, दो अलग पर्सनालिटी में शादी होगी ना, कोई अपने से शादी करता है क्या? नहीं करता। सब कुछ हम तो भगवान की सारी संतानें हैं, हम तो सब भगवान से ही निकले हुए हैं, तो हमारे साथ भगवान एंजॉय कर रहे हैं तो क्या फर्क, कोई नहीं कुछ कर सकता। तो वही है, तो भगवान भगवान को क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? बड़े एक्टर करता। ये मैं इन सबको देख के, भगवान जी मेरे को देख के इन लोग को बहुत पीड़ा हो। देखिए संपश्यतो मन उरुक्रम सिद्धते में, सिद्धते में मेरे में पीड़ा हो रही, यही गुण वैष्णव का होता है। पर दुख दुखी, पर सुख सुखी, पर दुख दुखी। अगर किसी का दुख देखने के बाद हमें आनंद हो रहा है, अच्छा हुआ उसके जीवन में ऐसे ही होना चाहिए। और अगर उसके सुख को देख के अगर हमें जलन होती है ना, तो समझ जाना चाहिए कि चैंटिंग की अभी तक हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा है। दूसरे का सुख देख के हमें भी खुश होना चाहिए और दूसरे का दुख देख के हमें दुखी होना चाहिए, यही सबसे बड़ा वैष्णव का गुण है। और इसी गुण के कारण श्रील प्रभुपाद ने अपने 70 इयर्स की उम्र में इतने दुख झेल के हमें ये ग्रंथ दिए, हमें ये संस्था दी, ये सब कुछ, ये सब कुछ झेला प्रभुपाद ने हमारे लिए। क्यों, क्या है? क्योंकि करुणा है। तो देखिए प्रभुपाद का क्या भाव है, वही ब्रह्मा जी का जो भाव है ना, वही प्रभुपाद का है। ये हमें कनेक्ट करना है, पढ़ते पढ़ते हमें समझना है ये। मेरी हिंदी जो भागवतम सेट है ना, वो थोड़ा पूना में रहेगा, इसलिए मेरे पास इंग्लिश है, तो मैं थोड़ा तात्पर्य इंग्लिश में पढ़ूंगा। मुझे किसी ने भेजा था, वो फोटो मैंने मंगवाया था, लेकिन उसमें क्लियर नहीं है, लेकिन ये इंग्लिश में थोड़ा मैं पढ़ता हूँ कि दिस इज लाइक अ ब्लाइंड मैन लीडिंग अनदर ब्लाइंड मैन टू फॉल इन टू द डिच। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि प्योर डिवोटी ऑफ लॉ, प्रभुपाद सॉरी ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि प्योर डिवोटी जो होता है ना, वो कभी भी किसी को दुख में कभी भी वो खुश नहीं होता, ऑलवेज विल बी अनहैप्पी। जब ये तीन प्रकृति में लोग दुख का अनुभव करते हैं ना, तो हमेशा वो दुखी होता है। और यही दुख के कारण और प्रभुपाद के गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर के आज्ञा के कारण श्री प्रभुपाद ने इतना बड़ा कार्य। प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं देखो, द लीडर्स ऑफ द पीपल नॉट लीडिंग अनदर लीडर्स ऑफ द पीपल, द सफरिंग पर्सन sometimes poses themselves as a leader of the people. खुद गड्ढे में गिरा हुआ है और दूसरे को एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है।
उसको ही कोई ज्ञान नहीं है। हाँ देखो अभी होगा, अभी नवरात्रि आएगी, अभी पितृपक्ष चल रहा है, अभी खत्म हो जाएगा पितृपक्ष, फिर नवरात्रि आएगी, नवरात्रि में सब जगह पंडाल लगेंगे क्योंकि अभी कोरोना निकल गया है। लेकिन अगर किसी जो नाच रहा है, वो जो कार्य कर रहा है, वो उसका जो चेयरमैन भी है ना वो मंडल का, उसको बताओ कि जरा एक बार कथा कर देते हैं, आज गरबा नहीं होगा, 9 दिन में एक दिन कथा कर दो आप थोड़ा माता के बारे में, वो नहीं बोल पाएगा। और अनफॉर्चुनेट जो सोल है, प्रभुपाद लिखते हैं इसमें तात्पर्य में, कि और गिरेंगे ऐसे लोगों के पीछे जाके, ऐसी लीडरशिप होगी तो और खड्डे में गिरेंगे, और गिरेंगे खड्डे। सो देयरफॉर, सो अनलेस द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड टेक पाइटी ऑन देम एंड टीच देम द राइट पाथ, देयर लाइव्स आर होपलेस फेलियर। देखिए इतना सुंदर लिख रहे हैं, थोड़ा हिंदी में मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने पढ़ तो लिया था, अगर ये ठीक से मुझे मिलता है। क्या लिखते हैं देखो, अतएव जब भगवान के भक्त इन पर दया नहीं दिखाते और इन्हें उचित मार्ग की शिक्षा नहीं देते, तब तक इनके जीवन बुरी तरह से असफल होते रहेंगे। हाँ हमने बहुत सारे जीवन हमने लिया है, बहुत बार जन्म लिया है हमने, और अगर हम प्रामाणिक गुरु के पास जाके हाँ परिप्रश्ने न सेवया नहीं करेंगे, तब तक हम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना, ये फंसते रहेंगे, वैसे ही हम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पढ़ते रहेंगे, हम हमारा ये साइकिल, बर्थ एंड डेथ का साइकिल चलते रहेगा। तो ऐसे भगवत भक्त जो मूर्ख मूर्ख भौतिकवादी इंद्रिय भोक्ताओं को ऊपर उठाने का भार स्वेच्छा से, देखो यहाँ पे स्वेच्छा शब्द आ रहा है, इसके अपने ऊपर लेते हैं स्वेच्छा से। हाँ ऐसे भगवत भक्त जो पूर्ण भौतिकवादी इंद्रिय भक्तों भोक्ताओं को ऊपर उठाने का भार स्वेच्छा से लेते हैं, प्रभुपाद ने स्वेच्छा से लिया, प्रभुपाद के अनुयायी, हाँ सारे महाराज जो सन्यासी अभी इतना प्रचार कर रहे हैं, वैष्णव जितने भी भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्वेच्छा से। हाँ स्वेच्छा से सब लोग और ये भार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम ये श्रीमद् भागवतम का असली प्रचार हम करेंगे घर घर जाके। हाँ घर घर जाके ये जूम सेशन होगा, घर घर जाके कीर्तन होगा, और घर घर में रोज सभी भक्त लोग श्रीमद् भागवतम भगवद गीता और कीर्तन करेंगे, ये सभी भक्त लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं माता जी बताइए, इतना इतना तकलीफ में, इतनी उम्र हो गई फिर भी क्यों माता जी इतना तकलीफ ले रही है, क्या जरूरत है? हाँ कोई सैलरी दे रहा है क्या उनको? खुद के जेब से अब डालना पड़ रहा है, खुद की सेविंग भी खत्म हो गई है, तो ये क्यों कर रहा है? इसलिए देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, प्रभुपाद ने भी स्वेच्छा से किया। हाँ और प्रभुपाद ने दूसरों को भी कहा स्वेच्छा से करो, ये हमें समझना चाहिए, ये अच्छे से वॉलेंटरली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक भक्त को वॉलेंटरली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। देखिए अभी 2 दिन पहले मंडे को आपको पता है अभी बुक्स आर द बेसिस का एक सेमिनार चल रहा है, बड़े बड़े महान भक्त लोग सब बड़े सीनियर सीनियर्स, बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद की बुक्स पे पूरा हमारा इस ये संस्था पूरी टिकी हुई है, उसके ऊपर सेमिनार चल रहे हैं, तो गुरु महाराज की कृपा से और आप सभी वैष्णवों की कृपा से मुझे भी उसमें मौका मिला अपने मनोगत व्यक्त करने का। तो मैंने कहा एक सेंटेंस, मैंने कहा कि जो व्यक्ति श्री प्रभुपाद के लीलामृत और श्रीमद् भागवतम को जो पढ़ चुका है ना, वो प्रचार किए बिना रह ही नहीं सकता, उसको प्रचार करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा ही, करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा ही, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि प्रभुपाद का मूड क्या है, व्हाट इज प्रभुपाद मूड। अगर हम प्रभुपाद के मूड को समझ गए ना, तो ये प्रभुपाद का मूड है, ऐसे भगवत भक्त जो मूर्ख भौतिकवादी इंद्रिय भोक्ताओं को ऊपर उठाते उठाने का भाव स्वेच्छा से अपने ऊपर लेते हैं, स्वेच्छा से, गुरु के आदेश की वेट नहीं करनी है। गुरु जी हमें तो गुरु महाराज ने कुछ बोला ही नहीं कि प्रचार कर, नहीं बोला है हमको इसलिए हम नहीं कर, अरे बोलने की क्या जरूरत है, प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद ने ये लिख दिया कि हर एक भक्त इस्कॉन के हर एक भक्त जो होता है उसको प्रचार करना पड़ेगा, और उसके बाद में कहे गए ब्रह्मा के ही समान भगवान के विश्वास पात्र होते हैं, अगर प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर ये कोई ऐसा करेगा, मेरा भगवान भी कहते हैं ना, जो भक्त मेरा प्रचार करता है वो मेरे मेरे को सबसे प्रियसी है, सबसे प्रिय है। यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या लिखा लास्ट लाइन में, आप देखिए आपके हाथ में भगवत भागवतम होगा,
ब्रह्मा के ही समान भगवान के विश्वास पात्र होते हैं भक्त लोग। बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम भी ब्रह्मा की तरह प्रिय भक्त भगवान के बन जाएंगे, और प्रिय भक्त बन जाएंगे तो भगवान क्या करेंगे, भगवान इधर रखेंगे पीड़ा करने के लिए रखेंगे? नो। श्रील प्रभुपाद को एक भक्त ने कहा, वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर था, याद आ गया, इसके लिए बता रहा हूँ। प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद आई वॉन्ट टू टेक बर्थ अगेन एंड अगेन। प्रभुपाद ने कहा, क्यों भाई, क्यों, तुम्हें क्यों करना है? बोलता है, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे बार बार इस जन इस धराधाम पे आना है और ये कार्य करना है। आई वॉन्ट टू हेल्प, आई वॉन्ट टू स्प्रेड दिस संकीर्तन मूवमेंट। प्रभुपाद ने शांति से कहा, एकदम धीरे, नो नीड, आई एम देयर टू डू दिस, यू गो बैक होम टू, तुम चले जाओ, मैं हूं यहाँ पे, मैं करूंगा ये कार्य, तुम चले जाओ। वैसे ही भगवान कहेंगे, ओके, बहुत अच्छा भक्ति की तूने, बहुत अच्छा प्रयास किया, अभी तूने भक्त भी बहुत बनाए, चलो अभी तुम ऊपर आ। भगवान हमें अपने धाम में बुलाने, प्रयास हमें क्या करना है, प्रचार करना हर एक भक्त को। और जो प्रचार करेगा ना, देखिए प्रचार की सेवा सबको ले लेनी चाहिए। मैं ये भी सेमिनार में बता रहा था कि क्योंकि बुक्स आर द बेसिक्स, लोग पढ़ते नहीं है, बुक्स पढ़ नहीं रहे ठीक से, भक्त लोग भी दीक्षा होने के बाद भी पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ नहीं रहे। तो मैंने कहा, द रीजन बिहाइंड दैट, दे डोंट प्रीच। अगर हम प्रचार करेंगे ना तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो प्रचार होगा, पढ़ेगा तो प्रचार होगा। और अगर प्रचार करने में वो ठीक से डिलीवर नहीं कर पाया तो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाएगी, इसके लिए वो पढ़ेगा ही, दो दिन पहले पढ़ेगा कि नहीं कल लेक्चर है, परसों लेक्चर है, अरे प्रिपेयर हो जाओ। तो इसके लिए सेवा करते रहना चाहिए इस संसार। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ये सब क्यों कर रहे हैं, ये ब्रह्मा जी सेवा ही तो कर रहे हैं, हमें भी सेवा ही करनी है प्रभुपाद की, श्याम सुंदर जी की सेवा ही करते रहनी है। और इसी के साथ हमारा जीवन हम लोग पूर्ण कृष्णमय बनाते रहे, भक्तिमय करते, यही है। ब्रह्मा जी देखो कितना सुंदर स्तुतियां बताएंगे, और फिर आगे के श्लोक में यही आएगा। आगे के श्लोक में क्या आ रहा है देखिए, कल आप लोग सुनेंगे इस श्लोक को। तो भगवान कहेंगे ब्रह्मा जी को, ये भौतिक जो पीड़ा है ना, ये जो भौतिक जगत है, ये तो टेम्पररी है, ये हमेशा के लिए नहीं है, तुम क्यों इतना चिंता कर रहे हो? ब्रह्मा को कहते हैं भगवान, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, ये टेम्पररी है, ये मूर्ख लोग हैं, ये होते रहेगा, तुम तुम्हारा कार्य करो ना, तुम तुम्हारा कर्तव्य करो। ये आगे के श्लोक में आएगा, ये आप लोग दूसरे वक्ताओं के साथ सुनेंगे। बहुत ही सुंदर आज का श्लोक था कि तीन ताप, जो आदिदैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, जो ताप है, काम है, क्रोध है, शीतोष्ण उष्ण, ये जो ऋतुएं बदलती रहती है, इससे हमें कभी भी हमारी भक्ति में कभी भी कुछ भी हो जाए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कभी भी हम लूज ना पड़े, हम कभी भी हमारा उत्साह जो है ना कम ना, उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह हमेशा रहना, हमेशा उत्साह से भक्ति करते रहे। यही ब्रह्मा जी श्लोक से प्रभुपाद तात्पर्य में हमें बताने की कोशिश कर रहे, प्रीच। और लास्ट की तीन लाइन आप पढ़िएगा, इसको तीन लाइन पढ़ना है, पढ़िए तीन लाइन जो प्रभुपाद ने जो लिखी है। ये पूरा संप्रदाय हमारा प्रीचिंग मूवमेंट है, पूरा मोटिवेट किया है प्रभुपाद ने सभी भक्तों को, प्लीज उठिए। थैंक यू एवरीवन, बहुत ही सुंदर श्लोक, तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत सुंदर तरीके से इस श्लोक को आपने धैर्य से सुना, कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ करिएगा, और आपके आशीर्वाद का मैं याचना करता हूँ कि ऐसे ही आशीर्वाद आपका देते रहिए, और यही ऐसे मौका भी मिलते रहे तो मैं भी अपने आप को अपना जीवन ये कहते हैं ना कि मैं पलाऊ भगवान की सेवा में लगाऊंगी ये शरीर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद भागवतम की जय, हिताई गौर हरि प्रेमानंद, हरि हरि।